और पाथरी को तीर्थ क्षेत्र के तौर पर विकसित करने का फैसला किया। कुछ दिन पहले सीएम उद्धव ठाकरे ने परभणी जिले के पाथरी गांव को साई का जन्म स्थान बताकर वहां का विकास करने की घोषणा की थी, जिसका शिरडी के लोगों ने विरोध किया। देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि इसे सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपनी तरफ से पहल करनी पड़ी। उन्होंने शिरडी से आए 40 लोगों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और ये फैसला किया कि पाथरी का विकास तो होगा लेकिन साई जन्मस्थान के तौर पर नहीं, जिससे शिरडी से आए लोग खुश हो गए और साई के जयकारे लगाते हुए बाहर आए। शिरडी के लोग साई जन्मस्थान के मुद्दे पर पहले भी अपना विरोध जता चुके हैं और इस बार भी उन्होंने वैसे ही तेवर दिखाए। यही नहीं, उन्हें शिरडी से शिवसेना सांसद सदाशिव लोखंडे का भी साथ मिला, जिसकी वजह से सरकार को पीछे हटना पड़ा। वो लोग विरोध कर रहे थे शिरडी के लोग कि आप विकास करिए लेकिन जन्म स्थान के तौर पे नहीं, एक तीर्थ क्षेत्र के तौर पे विकास करिए। हाँ, वो मान्यता दिया ना सभी लोगों ने, वो तय हो गया। मतलब अब जो जन्म स्थान वाला विवाद है वो खत्म हो गया। खत्म हो गया। मतलब साई के जन्मस्थान पर हमेशा से विवाद रहा है क्योंकि शिरडी के लोगों का कहना है कि उनके जन्मस्थान के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। ऐसा माना जाता है कि साई 1855 में पहली बार शिरडी में दिखाई दिए और उस वक्त उनकी उम्र 16 साल थी, लेकिन कुछ लोग वहां से करीब 270 किलोमीटर दूर बसे पाथरी गांव को उनका जन्मस्थान मानते हैं। यही नहीं, वहां साई से जुड़ा एक मंदिर भी मौजूद है। दावा किया जाता है कि इस मंदिर में जो सामान है वो साई इस्तेमाल करते थे। चर्चा है कि उद्धव ठाकरे ने इसी वजह से वहां के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था, जिस पर शिरडी के लोग नाराज हो गए क्योंकि माना जा रहा है कि इससे शिरडी को आर्थिक नुकसान हो सकता था। हालांकि अब सरकार को अपनी बात से पीछे हटना पड़ा है, लेकिन इसी बीच औरंगाबाद के कुछ लोग वहां के धूपखेड़ा में साई का जन्म